कांग्रेस पार्टी नू लगातार एक तो बाद एक झटका मिल रहा है, क्योंकि लगातार रोज खबर आ रही ने कि कांग्रेस पार्टी दे नेता जड़े ने पार्टी बदल रहे ने, तां बीजेपी ज्वाइन करदे होए दिखाई दिते ने। उत्थे ही अगर गल करिए संजय निरुपम दी, तां कांग्रेस वालिया ने संजय निरुपम नू जड़ा है ओह अपनी पार्टी तो कढ दित्ता। हालांकि इस तो पहला ही संजय निरुपम जड़े सीगे ओह रिजाइन है जड़ा ओह कांग्रेस पार्टी तो दे चुके सीगे। तां दस दईए कि कांग्रेस तो कढे जाण तो बाद संजय निरुपम दी पहली प्रतिक्रिया जड़ी ओह सामने आंदी है, मीडिया दे नाल गलबात कीती है उन्होंने, जिस विच खुल के कांग्रेस पार्टी बारे जड़ी आ गल्लां कीतियां ने। तां कांग्रेस वल्लों 6 सालां दे लई कढे गए ने संजय निरुपम, दस दईए तां वीरवार नूं मीडिया दे नाल गल्लबात करदे उन्होंने कहा है कि उन्हां दा अस्तीफा पत्र जड़ा मिलण तों बाद ही पुरानी पार्टी ने उन्हां नूं कढ़िया है। हालांकि साबका संसद मैंबर संजय निरुपम, जिसने लोक सभा ते राज सभा दोवां दी नुमाइंदगी कीती सी, आने वालियां लोक सभा चोणां दे लई शिव सेना यानी UBT नाल सीटां दी वंड बारे गल्लबात जड़ी आ करदे देखिया गया सी, जिस तों बाद कांग्रेस पार्टी ने लीडरशिप ते हमला करन दे जड़े आरोप सी ओह लगाया, जिस तों बाद कांग्रेस तों संजय निरुपम नूं बाहर है जड़ा ओह कढ़िया गया। हालांकि मीडिया दे नाल गल्लबात जड़ी होई है ओह उस दे विच संजय निरुपम जड़े आ ओह खूब कांग्रेस दीआं बुराईआं करदे वी दिखाई दित्ते है। कांग्रेस बारे कहा गया कि कांग्रेस हुण पार्टी नहीं रही है। हालांकि वी जिहड़ियां खबरां ने काफी चर्चा दे विच चल रहीआं ने कि कांग्रेस जड़ी है हुण ओह जड़ी है ओह पार्टी नहीं रह जाएगी, इक कंपनी बन के रह जाएगी, नैशनल पार्टी जड़ी आ ओह नहीं रहेगी कांग्रेस आउण वाले दिनां दे विच। तां संजय निरुपम ने जड़ा रिजाइन किया है, तां कांग्रेस पार्टी ने जड़ा है उस तो बाद उसका अस्तीफा एक्सेप्ट करन तो बाद उसनू कांग्रेस पार्टी तो कढ़िया है। कांग्रेस जड़ी है ओह संजय दा कहना है कि कांग्रेस जड़ी है दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस कोल 5 पार्टी सेंटर्स ने, जिन्हां विचों 3 उन्हां दे अपने फैमिली मैंबर्स दे ही ने। 5 सेंटर्स लॉबी है उहदे विच जिहड़ी कि एक दूजे दे नाल कलैश करदी हुई दिखाई दिंदी है। जिस तरीके दे नाल कांग्रेस पार्टी चलदी है उस तरीके दे नाल बहुत जल्दी सब कुछ जड़ा ओह खराब हो जाऊगा, संजय निरुपम ने अजिहा किया है। तां संजय निरुपम ने भी एक बयान दिता है, कहते कि कांग्रेस कहती है कि असी सैक्यूलर हाँ। हालांकि संजय कहते हैं कि यह गांधी जी भी लैके आए सी सैक्यूलर वाली चीज कि सैक्यूलर विचारधारा रखते सी, पर उन्हां दी सैक्यूलरिज्म दे विच कदे भी धर्म का विरोध जिहड़ा ओह नहीं होया सी। इस विचाले सब तो वड्डी गल राम मंदिर दे बारे कीती है संजय निरुपम ने, जिस विच कहा है, हालांकि तुहानूं वीडियो क्लिप भी बाद विच सुना देवांगे जो उन्होंने बयान दिते है। तां ओह कहते हैं कि राम मंदिर के खिलाफ बोलना सब तो वड्डी कांग्रेस की जिहड़ी गलती मनी जा रही है, क्योंकि राम मंदिर का इनविटेशन हर किसी नूं मिलिया सी। हालांकि बहुत लोग इसके खिलाफ भी सी, पर उसके बावजूद भी किसी ने भी गलत तरीके दे नाल जड़ा बिहेव है वह नहीं किया सी। तां जिसने नहीं भी मंदिर दे विच इनवॉल्व होना सी तां उन्हां वल्लों इह कह दिता गया सी कि असीं बाद दे विच आ जावांगे, पर जिहड़ी कांग्रेस है ओह लगातार राम मंदिर ते सवाल चुक रही सी, राम भगवान ते सवाल चुक रही सी, ते उस तों बाद भी 3-4 दिन तक उन्हां गल्लां दा जवाब जिहड़े आ कांग्रेस पार्टी दे प्रवक्ता दिंदे रहे ने, जो कि सब तों वड्डी मूर्खता वाली गल सी। तां इह वी दावा करदे ने संजय निरुपम कि आने वाले दिनों दे विच कांग्रेस पार्टी मुंबई दे विच पूरी तरह जिहड़ी आ ओह खत्म हो जाएगी, यह दावा किया संजय निरुपम ने। तां ओह वी कहिंदे ने नाल ही कि सच बोलदे ने, तां सच बोलण दी जिहड़ी सज़ा मिली है कि मैनूं पार्टी तों बाहर कढ दित्ता गया है, दूजे पार्टी दे कहण ते अपनी पार्टी तुसीं अपनी पार्टी दे बंदे नूं जिहड़ा ओह कढ रहे हो, तां कि इदां कांग्रेस पार्टी चलूगी, सवाल इह वी जिहड़ा चक्किया गया। तां कांग्रेस पार्टी दा कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तां अग्गे दा प्लान जिहड़ा ओह वी पुछया गया सी संजय निरुपम तों, जिस विच उन्होंने कहा है कि मैं जिहड़ियां चोण लड़ूंगा ते जीतूंगा भी। हालांकि हुण तुहानूं सुना दिंदे आ वीडियो क्लिप दे विच की कहा। तरह में बोल्शेविक रिवोल्यूशन के बाद कम्युनिज्म आता है और रशिया में कम्युनिज्म की क्रांति होती है, रशिया में इतना बड़ा एक कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है, उसका पूरी दुनिया में इसका प्रचार होता है। लेकिन 1991-92 आते आते पूरे कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह होता है और कम्युनिज्म खत्म हो जाता है, मतलब उस विचारधारा की उम्र खत्म हो गई। बिल्कुल 70 वर्षों के बाद आज हिंदुस्तान में जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, जिसमें धर्म के आग्रह का विरोध होता है, धर्म के अस्तित्व का विरोध होता है, धार्मिक होने का विरोध होता है, उसकी उम्र अब खत्म हो चुकी है और इसको मानने समझने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि नेहरूवियन सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा तेजी से लेकर चलने वाले लोग हैं वो कम्युनिस्ट हैं, हिंदुस्तान के लेफ्टिस्ट हैं, वो खुद ही खत्म हो चुके हैं। परसों में एक चैनल पे बोल रहा था कि पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया है, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग, ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं जो अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उनका सिरे से विरोध करेंगे, सिर्फ लेफ्टिस्ट ऐसा सोचता है, क्योंकि उनके जो प्रवर्तक थे विचारधारा के कार्ल मार्क्स, वो कहते थे धर्म अभीम है,
धर्म का विरोध करते थे, तो वो धर्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, धर्म की आस्था में विश्वास नहीं करते। कई लोगों को रामलला विराजमान का जो एक कार्यक्रम था, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन था, उसके लिए बुलाया गया था और सब लोग सरकार से या बीजेपी से सहमत हों ऐसा नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने बड़े प्यार से सम्मान से कहा कि साहब धन्यवाद, आपकी चिट्ठी मिली, आज अभी फुर्सत नहीं, बाद में कभी हम आ जाएंगे। लेकिन किसी ने भी उस पूरे आयोजन, पूरे उत्सव के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अकेला कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी है जो कहती है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, और उस आधार पर उन्होंने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया और राम के होने पर और राम के प्रति जो आस्था, उस आस्था को ही नकार दिया। बाद में बड़ी फजीहत हुई और उसके बाद 3-4 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसके ऊपर जवाब देते रहे। यह लेफ्टिस्ट अप्रोच था, लेफ्टिस्ट प्रभाव था, यह कम्युनिस्टों का प्रभाव था कांग्रेस पर। आज हालात यह है कि यह हिंदुस्तान पूरी तरह से धार्मिक हो गया है। पहले जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्मकार मंदिरों में जाने से कतराते थे या मंदिरों में जाने जाते हुए दिखने से कतराते थे, आज गर्व से जाते हैं। ये जो धर्म का जो आग्रह है, इसमें कहीं से गलत नहीं है, इसमें कहीं से ये नहीं कहा जा रहा कि दूसरे धर्मों से नफरत करिए। बाकी धर्म के लोग भी उतने ही अपने धर्म के प्रति आग्रह रखते हैं, लेकिन यहां पर जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था, उसने कहीं ना कहीं लोगों को, हिंदू धर्म को मुख्य धारा से बाहर कर दिया था। और हिंदू धर्म में आस्था रखना मतलब कोई गुनाह है या ब्लास्फेमी जैसा है, धर्मद्रोह है, इस प्रकार की एक भूमिका बन गई। आज कांग्रेस पार्टी वैचारिक स्तर पर अगर इस खांचे में देखें तो पूरी तरह से इरिलेवेंट हो गई, इस खांचे से बाहर हो गई। इसलिए लगातार लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या अंदर अंदर कसमसा रहे हैं। तो वैचारिक आधार पर हालत खराब है, संगठनात्मक स्तर पर पूरा बिखरा हुआ है मामला। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखता, सुबह कुछ बयान, शाम को कुछ बयान। जो नारे हैं ऐसे नारे हैं जो उनके घर में भी एक बार से दोबारा नहीं बोला जाएगा। न्याय का हक मिलने तक कितनी बार कोई बोल सकता है, कोई नारा है? और ये नारा लेकर के हम लोग निकल गए। उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। जमीन पे क्या हो रहा है इसकी समझ नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है।